लॉन्च हुआ है Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro का कितने प्रो फीचर देखने को मिलेंगे, क्या इस टीवी को हम लोग बाय करना चाहिए। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मण, आप देख रहे हैं टेक टेलीविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro सीरीज पर 3 स्क्रीन साइज आपको लॉन्च किया गया है, 43, 50 एंड 55। प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन के साथ में मेटालिक स्टैंड यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। 96.6 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और प्रो फीचर का बात करें तो इस टीवी पर आपको विविड पिक्चर इंजन 2 मिल जाएगा विथ स्मार्ट अडेप्टिव ब्राइटनेस, और साउंड टेक्नोलॉजी में डल्बी एटमोस का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो डल्बी विजन IQ जो डल्बी विजन कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेगा बेस्ड ऑन एम्बिएंट लाइट। फार फील्ड माइक आपको मिल जाएंगे, सो इसका थ्रू से आप विदाउट रिमोट भी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आजकल मैक्सिमम टीवी पर ये फीचर मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो तीनों टीवी है 4K टीवी है और गूगल टीवी OS के साथ में इसको लॉन्च किया गया है। साथ में आपको 5 वॉल का इंटीग्रेशन जो कि Xiaomi का चलते रहता है। HDR 10 प्लस का भी इस टीवी पर सपोर्टेड। इस टीवी पर आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर देखने को मिलती है, सो बेस्ड ऑन आपका एम्बियंट लाइट पिक्चर यानी सीन टू सीन जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट होगी। ये काफी अच्छी फीचर है जो MI TV 5X पर भी देखने को मिलती है। और तीनों टीवीज पर आपको MEMC का भी सपोर्ट मिल जाएगी, सो MEMC मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन। सो बेसिकली अगर आपका टीवी पर MEMC है, सो हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट पर आपको ब्लर फ्री इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि स्पोर्ट्स जब आप देखते हैं टीवी पर या फिर कोई OTT कंटेंट जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको ब्लर नहीं दिखाई देगी, आपको पिक्चर का जो क्लैरिटी है बिल्कुल आपको रियली लगे। साउंड आउटपुट का बात करें तो मैक्सिमम आपको 40 वाट साउंड आउटपुट देखने को मिलेगी। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया डॉल्बी एटमोस एंड DTS:X का भी सपोर्ट। इन 43 स्क्रीन वेरिएंट पर आपको मिल जाएगी 30 वाट। गूगल टीवी OS का साथ में इस टीवी प्रोवाइड की जाएगी, सो नो डाउट आप अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे, किड्स के लिए अलग, आपका पर्सनल के लिए अलग क्रिएट कर पाएंगे। और गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, क्रोमाकास्ट बिल्ट इन है, और आपको जो है वॉच लिस्ट भी आप कर सकते हैं, एम्बिएंट मोड भी आपको फीचर इसमें प्रोवाइड की जाती है। सो गूगल का प्ले स्टोर भी आपको मिलेगी जो कि बहुत बड़ा प्ले स्टोर है, सो नो डाउट आप अपने विश का हिसाब से जो है एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि ज़्यादातर एप्लीकेशन डाउनलोड मत ना करना, जो आपको यूज़ कर रहे हो उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रिमेनिंग ऐसा अननेसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टीवी को स्लो मत करना। बहुत सारे लाइव चैनल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। परफॉर्मेंस के लिए 64 बिट का क्वाड कोर A55 प्रोसेसर, 16 GB स्टोरेज के साथ में 2 GB RAM देखने को मिल जाएगी। इन टीवी पर गेम भी एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड लो इनपुट लैग भी इसमें फीचर दिया गया है। अगर रिमोट का बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं Xiaomi का वही पुराना जो कन्वेंशनल रिमोट डिजाइन वही आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट कीज का बात करें नेटफ्लिक्स और आपको डिस्ने हॉटस्टार यूट्यूब प्राइम वीडियो। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर चारों के चारों जो है पॉपुलर एप्स जो है इंडिया में चलता है वो चारों के चारों हॉटकीज आपको रिमोट पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी एंड इंटरेस्टिंग। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि रिमोट को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको फार फील्ड वॉइस असिस्टेंट दी जा रही है, तो आप उसका थ्रू से भी टीवी को कंट्रोलिंग कर सकते हो, सो आप उस फीचर को एंजॉय करना चाहिए। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का बात करें तो आपको 3 HDMI पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि HDMI ERC का सपोर्ट मिल जाएगी आपको, 2 USB, 1 ईथरनेट पोर्ट, AV-IN ऑप्टिकल पोर्ट एंड हेडफोन जैक। यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि HDMI आपको 2.1 का सपोर्टेड है, और आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन पर डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं 43 इंच का अगर प्राइस का बात करें तो 33,000, 50 इंच का 42,000 एंड 55 इंच का 48,000। सो ये सारे के सारे जो स्क्रीन साइज है इंडिया में अवेलेबल होंगे, और आपको अप्रैल 19 से भाया me.com, Flipkart एंड ऑफलाइन रिटेलर जो भी इनके पार्टनर है उसका थ्रू से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और आपको 2000 का डिस्काउंट कैशबैक आपको मिल जाएगी सिलेक्टेड कुछ कार्ड्स पर, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप इन टीवी को बाय करने के लिए सोच रहे। तो वीडियो का स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro सीरीज पर क्या प्रो फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं जो Xiaomi के पहले देखने को नहीं मिला था। तो पहला चीज़ है आपको गूगल टीवी के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू जो है मेरे को लगा है डल्बी विजन IQ, और नंबर थ्री जो है Xiaomi के लिए MI TV 5X पर दी जाती थी, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है कि फार फील्ड गूगल असिस्टेंट। सो और अडेप्टिव ब्राइटनेस काफ़ी सारे टीवी पर आपको देखने को मिल रहा है, सो ये कोई नया फीचर नहीं है, ये सारे के सारे जो फीचर है कोई भी एक प्रो यानी न्यू फीचर नहीं है,
बट Xiaomi के लिए न्यू हो सकता है। अगर कस्टमर सर्विस का बात करें तो नो डाउट आपको एवरेज कस्टमर सर्विस देखने को मिल जा रहे हैं, यानी इनिशियल रेस्पॉन्स का बात करें या फिर यूनिट में कुछ डिफेक्टिव होने के बाद इनका जो फेल्यूर रेक्टिफिकेशन टाइम का बात करें तो एवरेज आप कह सकते हो, उतना भी स्लो नहीं है और उतना भी फास्ट नहीं है। सो एवरेज कस्टमर सर्विस टीवी है Xiaomi। आप बहुत सारा वीडियो मैंने बताया आपको, रिकॉर्डिंग भी सुनाया था बहुत सारा वीडियो पर, परफॉर्मेंस भी बताया था। सो प्राइस क्या जस्टिफाइड, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो 2000 जो प्राइस डिस्काउंट हुआ अगर उसी को माइनस करके मैं देखूं तो फिर प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो प्राइस जो है थोड़ी सी ऐसे लगा कि ओवर प्राइस। सो यही था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी अगर आप सोच रहे कि इस टीवी को बाय करने के लिए। हाँ, अगर नेक्स्ट डे अगर साउंड का बात करें तो नो डाउट Xiaomi का टीवी का जो साउंड है काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, 43 इंच पर 30 वाट और रिमेनिंग दो वेरिएंट पर यानी 50 इंच एंड 55 इंच पर आपको 40 वाट साउंड आउटपुट आपको सफिशियंट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।